हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिर्फ 4 सलाइयों का ये बुनाई डिज़ाइन है, बहुत आसान है। अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। नया नया बुनाई करना सीख रहे हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं बहुत ईजीली। अब देखिए, फंदे की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें 10 के गुने में फंदे डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 के गुने में 20 फंदे डाले हैं, ठीक है। प्लस 7 फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना है। तो मैंने यहाँ टोटल लिए हैं 27 फंदे। 10 के गुने में 20 प्लस 7 फंदा एक्स्ट्रा लिए हैं। डिज़ाइन को सेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा फंदे हैं वो ज़रूरी होते हैं। और फ्रंट साइड से, यानी कि सीधी तरफ से ये डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा। सीधी तरफ से हमारी ये पैटर्न की फर्स्ट रो है, ठीक है। पहला फंदा हम ऐसे एज स्टिच का सीधा बना लेंगे। इसके बाद देखिए कैसे बनाएंगे, 6 फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 6 फंदे सीधे बना लिए एज स्टिच को छोड़कर। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 4 फंदा यहाँ जाली बनाते हुए बनाएंगे। देखो धागा अपनी तरफ, 1 फंदा ऐसे सीधा, 1 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, ये देखो 2 जाली, फिर 1 फंदा सीधा, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, फिर देखो ये 3 जाली पड़ जाएगी, धागा अपनी तरफ, फिर ये 4 जाली पड़ जाएगी और 4 फंदा सीधा। तो टोटल देखो ये एज स्टिच छोड़ के ये जो हमने 10 फंदा बनाया है, 6 फंदा सीधा और 4 फंदा जाली के साथ सीधा, यही हम रिपीट करेंगे। तो फिर से देखो 6 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब फिर से जाली, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, फिर से जाली, 2 जाली हो गई ना ये, देखो 2 जाली, धागा अपनी तरफ, 3 जाली, धागा अपनी तरफ, 4 जाली। बचे फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट में एज स्टिच 6, ठीक है। अब हम आ गए अपनी रॉन्ग साइड पैटर्न की रो नंबर 2। तो पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे, सभी फंदों को रो नंबर 2 में हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए 1, हर फंदे को हमें सीधा बनाना है, तो काउंटिंग नहीं करनी। जाली वाले फंदे को भी हमें सीधा ही बनाना है। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसे भी हम सीधा बनाएंगे ऐसे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं DIY, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोज़ बनाती हूँ, एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से पूरी रो को हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और गाइज, मेरा जो मेकअप वाला चैनल है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा। ये देखिए इस तरह से, लास्ट का फंदा एज स्टिच का हम उल्टा बना लेंगे, क्योंकि उल्टी साइड से होते हैं तो उल्टा बनाते हैं, सीधी साइड से होते हैं तो लास्ट का फंदा सीधा बनाते हैं। अब पैटर्न की रो नंबर 3 पर आ गए, पहला फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ से देखो धागा अपनी तरफ लाएंगे, 5 फंदा उल्टा बनाएंगे। पहले 6 बनाया था, 5, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट रो में हमने 6 फंदा सीधा बनाया था, 5 फंदा उल्टा, धागा सॉरी यहीं रहेगा। अब यहाँ पे 2 का 1 करना है ऐसे, 2 का 1 किया, धागा पीछे। अब यहाँ पे 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर 2 का 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 5 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, अगेन 2 का 1। ये हमारा दूसरा डिजाइन है ना। अब धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदा 2 का 1 किया। अब 5 फंदा उल्टा, 1
टू थ्री फोर फाइव, धागा पीछे एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने रो नंबर थर्ड बना के कंप्लीट की, और देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है, रो नंबर फोर पर आ जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब यहां से हम पांच फंदा उल्टा बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, एज स्टिच के बाद पांच फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे करेंगे हम दो का एक, ठीक है, दो का एक कर दिया। अब तीन फंदा उल्टा, वन टू थ्री, नेक्स्ट हम फिर से दो का एक करेंगे, यही हम रिपीट करेंगे। तो फिर से पांच फंदा उल्टा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर से देखिए दो का एक। अब तीन फंदा उल्टा, वन टू थ्री, अगेन दो का एक, फिर पांच फंदा उल्टा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो ये देखिए ये चार सलाइयां जो मैंने आपको बताई हैं, बस आपको यही बार बार रिपीट करते हुए जाना है। देखो इस तरह से ये डिजाइन बनकर आया। पहली रो में आपको एक बार और बता देती हूँ, पहली रो में आपको पहला फंदा स्लिप करके छह फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ किया, एक जाली धागा अपनी तरफ किया, फिर सीधा फंदा बनाया, दो जाली धागा अपनी तरफ किया, फिर सीधा फंदा बनाया, तीन जाली धागा अपनी तरफ किया, फिर सीधा फंदा बनाया, चार जाली। इसी तरह से ये चार सिलाइयां जब आप ऐसे और ज्यादा रिपीट करते हुए जाएंगे तो देखो डिजाइन ऐसे बन के आएगा। देखो आप कितना खूबसूरत लहरिया वाला डिजाइन बनकर आया। इस तरह से ये डिजाइन बनकर आएगा, ये देखिए, और रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखाई देगा। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह बहुत खूबसूरत बनेगा। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।